सरकारी योजनाओं का लाभ समय से न मिल पाने से परेशान है आम जनमानस। समय समय पर सामने आती रहती है सरकारी विभागों की घोर लापरवाही। मामला जनपद हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ का है, जहां पर परम सुख पुत्र दुली चंद निवासी बीरा ने बताया कि उसकी पत्नी मीरा देवी की डिलीवरी 4 जुलाई 2019 को हुई थी, जिसमें उसने बच्ची कार्तिका को जन्म दिया था। अस्पताल प्रशासन की तरफ से मुझे डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा गया था, जिससे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि समय पर मिल सके। तो मैंने सभी कागजात जमा कर दिए, उसके बाद भी 2 बार कागज और दे चुका हूं, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी मुझे योजना के तहत मिलने वाली राशि प्राप्त नहीं हुई है। सर मेरा नाम परम सुख है। क्या समस्या है आपकी? सर ये समस्या है कि मेरी वाइफ को 4 जुलाई को डिलीवरी हुई थी सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में। तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, पासबुक की फोटो कॉपी जमा कर दी, सब कुछ जमा कर दिए। तो वो कह रहे थे आपके पैसे आते, जब मैंने देखा तो पैसे नहीं आए। फिर दोबारा मैंने कहा चलो जहाँ डिलीवरी हुई थी, तो ये बोले अधिकारी जी बैठते हैं कक्ष 1 में आसमान भारत में, वो बोले कि मतलब आप जाइए वहाँ से, हमको कागज नहीं। हम वहाँ गए दोबारा, तो वो बोले कि हमने वहाँ पर आपके कागज सब डॉक्यूमेंट जमा कर दी, पासबुक जमा कर दी, आपके पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ आया तो उन्होंने मतलब नोटबुक चेक किया, 4 जुलाई को वो बोले थे कि पहले के पैसे तो डल चुके, लेकिन आपके पैसे नहीं डलेंगे, आपके कागज नहीं हमारे यहाँ आया, इसलिए इस वजह से आपका पेमेंट मतलब पैसे नहीं डल पाए डिलीवरी के। वो बोले आप कागज लाना पूरे, मतलब डॉक्यूमेंट पूरे लाना। मैं सर घर गया, मैं सर आया दोबारा जनवरी में, मतलब मैंने कागज लगभग 28-29 जनवरी को कागज यहाँ पर जमा कर दिए यही कक्ष में, आयुष्मान भारत कक्ष में। और ये बोले कि 10 तारीख तक 10 फरवरी के समथिंग आपके पैसा मतलब आ जाएगा खाते में, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं आया। मैं दोबारा आया, मैंने कहा मैं संपर्क कर लूँ, तो बोले कि आपका खाता गलत हो गया होगा होगा, कह रहे थे जिसको शिकायत करना। तो कल मैंने अभी क्या है स्थिति है सर? कोई स्थिति नहीं, वो हम वहाँ काउंटर में गए, कक्ष 1 है जो वो सब बंद है, कंप्यूटर ताला लगा है, उसमें ताला लगा है। आपने